नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। आज हम महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ने जा रहे हैं। ये हिंदी की मेगा क्लास होगी। याद रखेंगे आज हम 200 महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ाएंगे जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसा कि कुछ हमने बोर्ड में लिख भी दिया है और हमने ज़्यादातर जितने भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं सभी लगभग 1200 याद कर डाले हैं। तो आज आप पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ अंतर्यामी। अंतर्यामी किसे कहते हैं? जो सबके अंदर की बात जानता हो या सबके अंतःकरण की बात जानने वाला। याद रखेंगे सबके अंदर की बात जानने वाला, सबके अंदर की बात, अंदर की बात जानने वाला, जानने वाला। याद रखेंगे सबके अंदर की बात जानने वाला अंतर्यामी होता है। इसके बाद अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। याद रखेंगे जो पहले कभी ना हुआ हो, हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। इसके बाद तीसरा है अशोक, जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक कहते हैं। इसके बाद अखाद्य, अगला है अखाद्य। अखाद्य का मतलब क्या होता है? अखाद्य का मतलब होता है जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, खाने योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अखाद्य कहते हैं। इसके बाद अपेय होता है, अपेय जो पिया ना जा सके, अपेय जो पिया ना जा सके, जो पिया ना जा सके। आपको करना क्या है, अपनी कॉपी पर नोट करते रहना है। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। याद रखेंगे अपे। इसके बाद अखंड, अखंड किसे कहते हैं देखेंगे? अखंड जिसके खंड ना किए जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अखंड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अखंड कहते हैं। इसके बाद खंडनी किसे कहते हैं? जिसका खंडन ना किया जा सके, खंडनी, खंडनी, खंडनी। थोड़ा अखंड से थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। खंडनी जिसका खंडन ना किया जा सके। याद रखेंगे जिसका खंडन ना किया जा सके, किया जा सके उसे हम खंडनी कहते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? खंडनी कहते हैं। इसके बाद अगला है महत्वपूर्ण, अखंडित। क्या है? अखंडित, अखंडित। अच्छा, अखंडित किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे अखंडित किसे कहते हैं? याद रखेंगे जिसके खंड या टुकड़े ना हो, जिसके खंड या जिसके खंड ना हो उसे अखंडित कहते हैं। उसे याद रखेंगे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? अखंडित कहते हैं। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करें। इसके बाद अगले हम महत्वपूर्ण आपको बताते हैं। वीडियो को क्या करना है, आपको अंत तक देखना है। ज्यादा से ज्यादा इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, ये याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अक्षय, अक्षय का पढ़ लेंगे। कॉपी पर नोट करते रहना है आपको। अब हम पढ़ेंगे अक्षय, अक्षय। ठीक, तो अक्षय किसे कहते हैं? हम आपको बता दें कि जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके उसे हम अक्षय कहते हैं। जो छीण ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? अक्षय कहते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला, देखेंगे अनिंदनीय, अवनिंदनीय, अनिंदनीय, अनिंदनीय। और एक और है अवनिंदनीय, अवनिंदनीय। ये महत्वपूर्ण है।
तो अवनिंदनी के पहले आनिंदनी हमने कहा, आनिंदनी जो निंदा करने योग्य ना हो, जो वंदना करने योग्य ना हो, याद रखेंगे इसको हम कहते हैं जो निंदा करने योग्य ना हो। और इसको कहते हैं अवंदनी का मतलब क्या होता है, जो वंदना करने योग्य ना हो, याद रखेंगे जो वंदना करने योग्य ना हो उसको कहते हैं अवंदनीय। ठीक, इसके बाद है अगाध, जिसकी जिसकी गहराई या था का पता ना चले उसे अथाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अथाह, जिसकी गहराई का पता ना चले। तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं गहराई का पता ना चले, ठीक है, जिसकी गहराई का पता ना चले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अथा या अगाध, याद रखेंगे अगाध कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे महत्वपूर्ण, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द जितने भी हैं वो आपको आज पढ़ा दिए जाएंगे, जो गाने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं आगे कहते। इसके बाद अचिंतनीय, जो चिंता करने योग्य ना हो, तो अचिंतनीय जो चिंता करने योग्य ना हो उसे हम कहते हैं अचिंतनीय, याद रखेंगे अचिंतनीय कहते हैं। अचेतन, इसके बाद है अचेतन किसे कहते हैं, तो अचेतन की बात कर रहे हैं जिसमें चेतना ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अचेतन कहते हैं। तो जिसमें चेतना ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अचेतन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण है। देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे अचेतन की, अछेद की बात करते हैं, जो छेदा ना जा सके उसे अछेद कहते हैं, अछेद जिसे छेदा ना जा सके उसे हम कहते हैं अछेद कहते हैं। इसके बाद अगोचर, जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे हम अगोचर कहते हैं। जिसको इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं। इसके बाद देखेंगे अतींद्रिय भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे, इसको हम अतींद्रिय भी कह सकते हैं, अतींद्रिय कहते हैं। इसके बाद है जो वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पास हो उसे अमानत कहते हैं, क्या कहते हैं, अमानत। तो इस अमानत का मतलब जो वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति के पास हो उसे अमानत कहते हैं। इसके बाद आप लास्ट पढ़ेंगे अतीत, क्या पढ़ेंगे, अतीत पढ़ेंगे। अतीत में क्या होता है, जो बीत चुका हो उसे हम कहते हैं अतीत कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए इसके बाद अदृश्य पढ़ेंगे, जो दिखाई ना पड़े उसे हम अदृश्य कहते हैं, अदृश्य जो दिखाई ना पड़े उसे हम क्या कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। दो से तीन एक साथ हम लिखे दे रहे हैं, जैसे अगला देखेंगे, अव क्या है, अनवरत
अगला है अनवरत। अनवरत तो अनवरत का मतलब क्या होता है? जो सदा से चला आ रहा हो। अनवरत का मतलब क्या होता है? जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो, उसे हम कहते हैं अनवरत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवरत कहते हैं। इसके बाद अगला है अमर्त्य। जो कभी नहीं मरता है उसे क्या कहते हैं? अमर या अमर्त्य कहते हैं। अगला है अमर्त्य। अमर्त्य या अमर, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे उसे हम कहते हैं अमर। इनको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। इसके बाद हम आपको नए वाक्यांशों के लिए महत्वपूर्ण शब्द आपको बताएंगे। आप पढ़ रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द। ये जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, आपको सिर्फ वही पढ़ाए जा रहे हैं। याद रखेंगे जो एग्जामों में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद है अगला है अदूरदर्शी किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है अदूरदर्शी। अदूरदर्शी ठीक है, क्या है? अदूरदर्शी किसे कहते हैं? जो आगे की ना सोचता हो, इसको कहते हैं जो आगे की ना सोचता हो। जो आगे की ना सोचता हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अदूरदर्शी कहते हैं। याद रखेंगे अदूरदर्शी कहते हैं। इसके बाद है अगला देखेंगे अग्रसोची। जो आगे की सोचता हो, अग्रसोची का मतलब क्या होता है? जो आगे की सोचता हो, जो आगे की सोचता हो उसे हम अग्रसूची कहते हैं। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे अंतः प्रेरण। जो आप क्या होता है? जो आपसे उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, जो अपने मन से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा बोलते हैं। इसको अंतः प्रेरणा, अपने मन में उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, उसको हम अंतः प्रेरणा कहते हैं। अपने आप, याद रखेंगे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा उसको हम क्या बोलते हैं? अंतः प्रेरणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः प्रेरणा बोलते हैं। इसके बाद अगला है अंतरिक्ष। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। याद रखेंगे अंतरिक्ष किसे कहते हैं? अंतरिक्ष। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, बीच का स्थान ठीक। वीडियो को क्या करते हैं? कमेंट करते रहेंगे, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, इसको शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ना भूलें। याद रखेंगे बेल आइकन को आप जरूर से जरूर प्रेस करें, ताकि जो हमारे द्वारा वीडियो डाले जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। ठीक है, याद रखेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक, इसके बाद देखेंगे अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान किसे कहते हैं? याद रखेंगे अंतर्ज्ञान। तो अगर हम अंतर्ज्ञान की बात करें तो अंतर्ज्ञान किसे कहते हैं? जो मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, मन में उत्पन्न स्वाभाविक ज्ञान तो मन में उत्पन्न स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहते हैं हम। इसके बाद अंतहीन, याद रखेंगे अर्धहीन कह सकते हैं आप, अर्धहीन। अगला है अर्धहीन। तो अर्धहीन किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम कहते हैं अर्थहीन कहते हैं। याद रखेंगे उसे हम क्या कहते हैं? अर्थहीन। इसके बाद
अगवानी, इसके बाद जानेंगे अगवानी किसे कहते हैं। अगवानी जो आगे बढ़कर स्वागत किया जाए, आगे बढ़कर स्वागत किया जाए उसको हम कहते हैं अगवानी। अगवानी क्या होता है? आगे बढ़कर स्वागत करना, उसको हम कहते हैं अगवानी। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण, अपनी कॉपी पर इसको नोट करें। इसके बाद हम आपको और भी हम पढ़ाने वाले हैं महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके बाद अंतर्देशी पढ़ेंगे, कॉपी पर नोट करते रहेंगे ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ा सकें। याद रखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सके। अंतर्देशी, अंतर्देशी किसे कहते हैं? जो किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंधित, ठीक है, देश से संबंधित, उसको हाँ अंतर्देशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे अंतर्देशी, अंतर्देशी। अंतर्देशी का मतलब क्या होता है? अंतर्देशी का मतलब होता है जो किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंधित रखने वाला, देश के अंदर होने वाला। याद रखेंगे देश के अंदर होने वाला, होने वाला, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतर्देशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्देशी बोलते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे अनाक्रांत। अनाक्रांत का मतलब क्या होता है? जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित, उसको अंतर्विदिष्ट बोलते हैं। लेकिन हम अगर हम क्या बोले, अगर हम अनाक्रांत की बात करें, जिस पर आक्रमण ना किया जा सके, याद रखेंगे जिस पर आक्रमण ना किया जा सके उसको हम अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया जा सके, किया जा सके, जिस पर आक्रमण ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। इसके बाद अजेय इसे कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके। अजेय, अजेय का मतलब क्या होता है? जिसे जीता ना जा सके, जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजेय कहते हैं। महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए शब्द। इसके बाद अवैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक होता है। अवैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला उसे हम अवैतनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रज और अनुज भी जाने, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम अग्रज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रज। तो अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अग्रज कहते हैं। अनुज किसे कहते हैं? जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम अनुज कहते हैं। अग्रज और अनुज, तो अग्रज और अनुज में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि जिसका जन्म पहले होता है उसे हम अग्रज या बड़ा भाई होता है, जिसको हम बड़ा भाई कहते हैं या दादा बोलते हैं तो उसे हम अग्रज बोलते हैं, और जिसका जन्म बाद होता है या जो छोटा भाई होता है वो अनुज होता है। याद रखेंगे तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम अग्रज कहेंगे, और अनुज का मतलब क्या होता है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो उसे हम कहते हैं अनुज कहते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे हम अनुज कहते हैं। और अनुजा, एक शब्द और है अनुजा। छोटी बहन को हमेशा क्या कहते हैं? छोटी बहन को हम अनुजा बोलेंगे। तो अग्रज अनुज और अनुजा, अनुजा, अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन। याद रखेंगे छोटी बहन को हम अनुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुजा। ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार भी, इंपॉर्टेंट भी है, आता भी एग्जाम में, अनुजा किसे कहते हैं। इसके बाद अपराह, अपराह का मतलब दोपहर के बाद का समय, अपराह बोलते हैं उसको। याद रखेंगे दोपहर के बाद का समय,
आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखेंगे हमने आपको कौन सा बताया, अपरान, उसको बोलते हैं अपरान, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय अपरान बोलते हैं, इसको याद रखेंगे दोपहर के, इसको दोपहर के। देखिए अगला है अग्रगण्य, अग्रगण्य किसे कहते हैं, जिसकी गिनती ना हो, अग्रगण्य, अग्रगण्य जिसकी गिनती ना हो, जिसकी गिनती ना हो उसको हम बोलते हैं अग्रगण्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं अग्रगण्य बोलते हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे अग्रराजे, क्या मतलब अपराजय कह सकते हैं आप, अपराजय, अपराजय का मतलब क्या होता है, अपराजय का मतलब जो पराजित ना किया जा सके उसे हम अपराजित बोलते हैं, जिसको पराजित ना किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, अपराजय बोलेंगे, अपराजय, अपराजय जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके उसको हम कहते हैं अपराजय बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपराजय। इसके बाद अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय बोलेंगे, ठीक, या अवाच्य कहते हैं, याद रखेंगे उसे हम अवाच्य भी कहते हैं। इसके बाद अगला है अवाच्य, देखिए अनुवाद, अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद किसे, जो अन्य भाषा से प्रणीत हो, जो अन्य भाषा से प्रणीत हो, आपने देखा होगा कई राइटरों ने क्या किया है, अन्य भाषाओं का भी अनुवाद किया है, तो उसे अनुवाद या रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण का मतलब क्या होता है, जो अन्य भाषा में परिणित हो, ठीक, जो अन्य भाषा में क्या हो, परिणति हो, याद रखेंगे। तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं अवाच्य या क्या कहते हैं, अवाच्य या अपठनीय, अवाच्य या अपठनीय, तो जो पढ़ा ना जा सके, क्या कह सकते इसको, हम क्या कहते हैं आवाज को, क्या कहते हैं, जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपठनीय। इसके बाद हमने आपको बताया, इसके बाद हमने आपको बताया कि अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद, अनुवाद, अनुवाद किसे कहते हैं, तो जो अन्य भाषा में परिणति हो, अन्य भाषा से परिणित, अन्य भाषा में जो जिसको रूपांतरण किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रूपांतरण या अनुवाद कहते हैं। अतिशयोक्ति, जो बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति याद रखेंगे, अतिशयोक्ति किसे कहते हैं, जो बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जो बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। इसके बाद है अगवानी, अगवानी किसे कहते हैं, अगवानी किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना, अगवानी, अगवानी आगे बढ़कर, आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना हम उसे कहते हैं अगवानी कहते हैं, याद रखेंगे अगवानी। अपरिहार्य, जिसका परिहार या त्याग ना किया जा सके उसे हम अपरिहार्य कहते हैं, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण, वीडियो को आपको क्या करना है, अंत तक देखना है। अपरिहार्य, अपरिहार्य जिसका त्याग ना किया जा सके, याद रखेंगे जिसका त्याग ना किया जा सके, किया जा सके उसे हम अपरिहार्य कहते हैं। अपरिहार्य का मतलब ही क्या होता है, त्याग होता है। इसके बाद है अनुभूत, अनुभूत जिसका अनुभव ना किया जा सके अनुभूत कहते हैं उसको, अनुभूत जिसका अनुभव ना किया जा सके, अनुभव ना किया जा सके उसे हम अनुभूत कहते हैं। इसके बाद अगला है अग्रिम, जो पहले ना दिया जाए उसे कहते हैं अग्रिम, जो पहले ना दिया जाए,
दो और बचे हैं लास्ट के, जो पहले ना दिया जा सके याद रखेंगे उसे हम कहते हैं अग्रिम, अग्रिम जो पहले ना दिया जाए, जो पहले ना दिया जाए। और एक और महत्वपूर्ण है अग्रणी, क्या है, जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता हो उसको क्या बोलते हैं, अग्रणी बोलते हैं, जो सबके, जो सबके आगे रहता हो उसको हम क्या कहते हैं, अग्रणी कहते हैं। ठीक है, तो अपरिहार्य जिसका त्याग ना किया जा सके, इसको अनुभूत क्या है, जिसका अनुभव ना किया जा सके, अग्रिम जो पहले ना दिया जाए, और अग्रणी किसे कहते हैं, जो सबके आगे रहता हो। इसके बाद अगला है, अगला है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे हम क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। याद रखेंगे जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे हम अजात शत्रु कहेंगे, अजात शत्रु, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, शत्रु ना जन्मा हो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। इसके बाद हम 50वें वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। याद रखिए अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अकिंचन कहते हैं। याद रखेंगे अकिंचन, जिसके पास, जिसके पास कुछ ना हो, कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहेंगे। याद रखेंगे अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो, चार नंबर लगाना, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, अगला देखेंगे इसके बाद, जैसे अवैध क्या होता है, जो कानून के प्रतिकूल हो, जो कानून के प्रतिकूल हो उसे हम अवैध कहते हैं। अवैध जो कानून के, जो कानून के प्रतिकूल, प्रतिकूल हो। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहें, ठीक है, ये मेगा क्लास आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बोर्ड छोटा है, लेकिन आप लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में भी आपको हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ा रहे हैं। कई टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, जैसे अगर आपने हिंदी साहित्य की रचनाओं का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण 600 रचनाएं हम आपको एक साथ, हमने लगभग 1 घंटे 18 मिनट में पढ़ा दी। तो याद रखेंगे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पहले स्वयं जरूर देखें उसको, याद रखेंगे पहले आप स्वयं जरूर देखें उसको। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया क्या, अवैध, जो कानून के प्रतिकूल हो उसको हम क्या बोलते हैं, अवैध बोलते हैं। इसके बाद या देखिए अविधिक भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अविधिक भी बोलते हैं। अप्रमेय किसे कहते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय उसको वो क्या बोलते हैं, अप्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, सिद्ध ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रमेय बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे हम अप्रमेय। देखिए याद तो लगभग 1200-1300 वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो महत्वपूर्ण है, वो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। हम सीरियल बाय सीरियल चल रहे हैं, याद रखेंगे कैसे चल रहे हैं, सीरियल बाय सीरियल चल रहे हैं। इसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं असामयिक, असामयिक जो समय पर ना हो उसे हम क्या कहते हैं, असामयिक। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। और आपको दो चीज़ें और बताना है कि हमारी रेटिंग कैसी है और वीडियो की एडिटिंग कैसी है, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि रेटिंग कैसी है, क्या आपको समझ में आ रहा है, इसको जरूर से जरूर आप इसमें क्या करें, विश्लेषण उसका जरूर करके हमको बताएं, ठीक है, रेटिंग कैसी है। हम आपको पढ़ा रहे हैं असामयिक, असामयिक जो समय पर ना हो। असामयिक का मतलब ही क्या होता है, जो समय पर ना हो, याद रखेंगे जो समय पर ना हो,
कि थोड़ा सा हम और स्लो पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा राइटिंग बना के पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप विजुअल देख सके और समझ में आ सके, ठीक है। थोड़ा सा हम स्पीड अपनी डाउन कर रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। व्याख्या करते हुए हर एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द का हम आपको विश्लेषण करते पढ़ाएंगे, ठीक है। विश्लेषण करते जा रहे हैं, आप वीडियो को देखते जाएँ, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है, देखिए, औषध अविवाहित, जिसका विवाह ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अविवाहित। अविवाहित, अविवाहित का मतलब क्या होता है, जिसका विवाह शादी विवाह ना हुआ हो, हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, अविवाहित बोलते हैं, उसे हम अविवाहित। अव्यवहारत, अव्यवहार जो व्यवहार में लाया गया हो, अव्यवहारत बोलते हैं, अव्यवहारत जो व्यवहार में, व्यवहार में लाया गया हो, गया हो, उसे हम बोलते हैं अव्यवहारत बोलते हैं, याद रखेंगे। असोच, जो शोक करने योग्य ना हो, असोच जो शोक करने योग्य ना हो, उसे हम असोच भी, ये तो अशोक होता है, जो शोक करने योग्य ना हो अशोक हो गया। लेकिन असंभव का मतलब क्या होता है, असंभव का मतलब हो, असंभव का मतलब कहते हैं जो ना हो सके, असंभव जो ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, असंभव, 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 असंभव जो ना हो सके, जो ना हो सके। क्योंकि एक साथ इतने वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिमाग में रखना बहुत आसान काम नहीं, थोड़ा सा सीरियल वाइज आपको देखना भी है, आपको लगे कि हम आप ही को पढ़ा रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जो भी हम पढ़ाएंगे आपको देखकर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो है, याद रखेंगे, अगला क्या है, हमने आपको पढ़ाया जिसका विवाह ना हो सके, अविवाहित कहते हैं, अव्यवहारत जो व्यवहार में लाया, जो व्यवहार में ना लाया गया हो, थोड़ा सा चेंज करें, जो व्यवहार में ना लाया गया हो, ना लाया गया हो, चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। असंभव का मतलब क्या होता है, हमने आपको बता दिया कि असंभव का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है जैसा कि, जो ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, संभव। इसके बाद है सामर्थ्य, जिसमें सामर्थ्य ना हो, सामर्थ्य, सामर्थ्य याद रखेंगे, जिसमें सामर्थ्य ना हो, जिसमें सामर्थ्य ना हो, उसे हम सामर्थ्य कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। इसके बाद अगला पढ़ेंगे हम अंतर्यामी, जो सबके अंदर की बात जानता हो, उसे हम अंतर्यामी कहते हैं, याद रखेंगे, अंतर्यामी कहते हैं। असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके, उसे हम असाध्य कहते हैं, असाध्य जिसका इलाज, जिसका इलाज संभव ना हो, जिसका इलाज संभव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं, ठीक है। जिसका इलाज संभव ना हो उसे हम असाध्य कहते हैं। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अनुतन, जो नया हो उसे हम क्या कहते हैं, जो नया ना हो उसे हम अनुतन कहते हैं, जो नया ना हो उसे हम अनुतन कहते हैं, अनुतन जो नया ना हो, जो नया ना हो उसे हम अनुतन कहते हैं, याद रखेंगे। अनुतन किसे कहते हैं, जो नया ना हो। अनुदान किसे, किसी कार्य के लिए दिए जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती है उसे अनुदान कहते हैं, ये अनुदान, कार्य के लिए, कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, याद रखेंगे, कैसी सहायता होनी चाहिए, आर्थिक, आर्थिक सहायता। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आपको बताना है कि अपवाद किसे कहते हैं, ठीक है, अपवाद किसे कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना। अन्यथा, किसी और स्थान पर, उसको हम क्या कहते हैं, अन्यथा कहते हैं। कॉपी पर नोट करते जाएंगे आप लोग,
अन्यत्र। अगला है अन्यत्र, किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर, उसको हम क्या कहते हैं, अन्यत्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है अबाध। अबाध क्या होता है, जो कोई जहां पर कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे अबाध कहते हैं। अबाध, अबाध जहां पर, जहां कोई बाधा या फिर क्या रोक टोक ना हो, रोक और टोक ना हो, जहां पर कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे अबाध कहते हैं। इसके बाद अप्रत्याशित, जिसकी पहले कोई आशा ना हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी हम आशा ना कर सकें अप्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित, अप्रत्याशित किसे कहते हैं। एग्जाम में यही पूछा जाता है, ज्यादातर वाक्यांशों के एक शब्द जो आते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। शब्द देखकर वाक्य वाक्य पूछ लेते हैं, वाक्य देखकर शब्द पूछ लेते हैं। तो अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। याद रखेंगे, जिसकी जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। और अप्रकाशित, जिसमें पहले कोई क्या कह, अप्रकाशित का मतलब जो कभी प्रकाश में ना आया हो, जिसका प्रकाश, जिसमें प्रकाश ना हो अप्रकाशित कहते हैं। अप्रकाशित जिसमें प्रकाश ना हो, जिसमें प्रकाश ना हो उसको हम कहते हैं अप्रकाशित कहते हैं। जिसमें प्रकाश ना हो उसे अप्रकाशित कहते हैं। इसके बाद है अपूर्व, जो पहले ना हुआ हो, अपूर्व, अपूर्व जो पहले ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपूर्व कहेंगे। जो पहले ना हुआ हो अपूर्व कहते हैं। अपारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। याद रखेंगे अपारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिस वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। तो वस्तु के आर पार देखा जा सके, जिस वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे अपांग क्या होता है, जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसे हम अपंग या विकलांग कहते हैं। अपंग, अपंग, ठीक, अपंग का मतलब क्या होता है, अपंग का मतलब यही होता है कि जिसके अंग दुरुस्त ना हो, ठीक ना हो, जिसके अंग, याद रखेंगे अंग है, अंग कैसे ना हो, दुरुस्त ना हो, दुरुस्त ना हो, जिसके अंग दुरुस्त ना हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपंग कहते हैं। याद रखेंगे अपंग कहते हैं। अव्ययी, अनुचित खर्च करने वाला अव्ययी कहलाता है। अव्ययी, देखिए अपव्ययी क्या होता है और अव्ययी क्या होता है, अपवाद क्या होता है, हम आपको बता दें। अपव्ययी का मतलब क्या होता है, व्यर्थ होता है, जो जो बिना खर्च करने वाला क्या होता है, जो ज्यादा खर्च नहीं करता है, अनुचित खर्च करने वाला होता है उसको हम अपव्यय कहते हैं। अपवाद क्या होता है, जो सामान्य या व्यापक नियम से भिन्न हो, ठीक है, या विरुद्ध हो उसके, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे अपव्ययी है ना, व्यर्थ या अपव्ययी है, याद रखेंगे अपव्ययी। अपव्ययी का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया कि अपव्ययी को आप कह सकते हैं व्यर्थ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, व्यर्थ कह सकते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं अनुचित खर्च करने वाला, अनुचित खर्च करने वाला, करने वाला, याद रखेंगे अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि अपवाद किसे कहते हैं, ठीक है, अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे ताकि हम रेज कर दें। याद रखेंगे, ये मत सोचिएगा कि
सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, याद रखेंगे सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जितने भी विद्यार्थी 9 के हैं, रायबरेली के हों चाहे वो, ठीक है, या फिर कानपुर के हों, लखनऊ के हों, आप इनको क्या करना है, स्पेशली फॉर लॉकडाउन वाक्यांशों के लिए एक शब्द की मेगा क्लास आप पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेते हैं, लेकिन वो आलसी उनको कहेंगे जो सिर्फ इस वीडियो को देखते हैं और इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। याद रखेंगे बिना स्किप किए इसको पूरा देखें आप, ठीक। हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि अपवाद किसे कहते हैं, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध। याद रखेंगे अपवाद सामान्य या व्यापक नियम, ठीक। हमने आपको क्या बताया, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, के विरुद्ध, इसको हम अपवाद कहेंगे। क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। इसके बाद अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करना, ठीक है, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करना, तो इसको हम क्या कहेंगे, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करना, इसे हम कहते हैं अपरिग्रह। लगा दो बेटा, अपरिग्रह, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण ना करना, उसको हम कहते हैं अपरिग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिग्रह कहते हैं। इसके बाद देखेंगे अभिनेता किसे कहते हैं, जो पुरुष अभिनय करता हो उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करता हो उसे हम क्या कहेंगे, अभिनेता कहते हैं, ठीक। याद रखेंगे जो पुरुष अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं, अभिनेता। पुरुष अभिनय करने वाला, अभिनय करने वाला, जो पुरुष अभिनय करता हो उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेता कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं, तो अभिनेत्री, तो स्त्री अभिनय करने वाली, अभिनय करने वाली, ठीक, उसको हम अभिनेत्री कहते हैं। याद रखेंगे, अब देखिए अभिनेता और अभिनेत्री दोनों में अंतर, अभिनेता और अभिनेत्री में दोनों में अंतर है। इसके बाद क्या है, अब इसके बाद अभिभावक किसे कहते हैं, याद रखेंगे अभिभावक किसे कहते हैं, जो किसी अवश्य, देखिए जो किसी अल्प अवश्य या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो, ठीक है, अनाथ बच्चों की देखरेख करता हो, जो किसी अल्प वयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो उसे अभिभावक कहते हैं। याद रखेंगे अभिभावक, अभिभावक, अल्प वयस्क, याद रखेंगे अल्प वयस्क, या हम कह सकते हैं अनाथ, अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो, देख रेख करता हो, जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो उसको हम अभिभावक कहते हैं। अमेघ्य, अमेघ्य का मतलब क्या होता है, जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं, अभेद्य, अभेद्य, जिसे भेदा ना जा सके, याद रखेंगे जिसे भेदा ना जा सके उसे हम कहते हैं अभेद्य कहते हैं, जिसे हम भेद नहीं सकते उसे अभेद्य कहते हैं। इसके बाद है अर्धवार्षिक, 6 महीने में एक बार होने वाला उसे हम अर्धवार्षिक कहते हैं, ठीक। और अलौकिक, जो इस लोक में ना हो, जो इस लोक में संभव ना हो, ठीक है, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है जान लेंगे, अर्धवार्षिक 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक। अलौकिक, जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक, अलौकिक,
अलौकिक का मतलब क्या होता है? जो इस लोक में, अलौकिक का मतलब हमने आपको बताया, अलौकिक का मतलब क्या होता है? जो इस लोक में संभव ना हो। जो इस लोक में संभव ना हो उसे हम अलौकिक कहते हैं। याद रखेंगे, अल्पकालिक, जिसका अस्तित्व अल्पकाल के लिए रहे या अल्पकाल तक रहे, उसको हम अल्पकालिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अल्पकालिक। अल्पकालिक ठीक, जिसका अस्तित्व अल्पकालिक का मतलब हमने क्या बताया कि अल्पकालिक का मतलब होता है जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे। जिसका अस्तित्व, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, अस्तित्व अल्पकाल तक रहे। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक है उसे अल्पकालिक कहते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद है अवध्य। अवध्य का मतलब क्या होता है? अवध्य का मतलब हम आपको बता दें कि जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य बोलते हैं इसको। अवध्य, अवध्य, जिसे मारना, जिसे मारना संभव ना हो, या जिसे, ठीक, ऐसा नहीं जिसे मारा ना जा सके, जो मरे ना वो अजय होता है, याद रखेंगे। अवध्य का मतलब होता है जिसे मारना उचित ना हो, ठीक है, संभव ना हो, या हम कह सकते हैं उचित ना हो, उचित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अवध्य कहते हैं, याद रखेंगे। यहां पर उचित लिख लीजिएगा, उचित, ठीक, उचित हो गया, अवध्य हो गया। इसके बाद अंत्यज का होता है जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो, या जैसे चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं, याद रखेंगे। जो जो सबसे छोटी जाति का हो या निम्न जाति का हो उसे भी हम अंत्यज या शूद्र कहते हैं। तो अंत्यज का मतलब क्या होता है? जो सबसे अंतिम वर्ण में जन्मा हो, अंत्यज, याद रखेंगे, जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो, अंतिम वर्ण में जन्मा हो, ठीक है, जो अंतिम वर्ण में जन्मा हो उसे हम क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं, याद रखेंगे, अंत्यज कहते हैं या शूद्र कहते हैं। इसके बाद अंत्याक्षरी। देखिए, अंत्याक्षरी का मतलब होता है किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करना। ठीक, किसी अंतिम, अंत्याक्षरी पहले लिख देते हैं। अंत्याक्षरी का मतलब क्या होता है? किसी पद के, लिख लीजिएगा, किसी पद के अंतिम अक्षर से, अंतिम अक्षर की बात है, अक्षर से, अंतिम अक्षर से, तो नया पद आरंभ करना, याद रखेंगे। कैसा पद? नया पद आरंभ करना, आरंभ करना अंत्याक्षरी कहलाता है। ठीक, बचपन में हमने बहुत खेला होगा अंताक्षरी आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट वर्ड क्या होता है? लास्ट वर्ड से ही हमें नई कविता की शुरुआत करनी होती है। जो भी आप श्लोक बोलना चाहें वो क्या होता है, वो लास्ट की कविता, लास्ट का जो अक्षर होता है उसी से हमको स्टार्ट करना रहता है। तो अंताक्षरी होता है। अंधविश्वास, अंधविश्वास मतलब तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास कहते हैं उसको, बोलते हैं अंधविश्वास। अंधविश्वास मतलब तर्क के बिना, तर्क के बिना मान लिया गया, माना गया, माना गया विश्वास, जो बिना तर्क के माना जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंधविश्वास बोलते हैं, याद रखेंगे, उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। इसके बाद अंशदान। अंशदान का मतलब क्या होता है? अंशदान का मतलब होता है, अगर हम बात करें अंशदान की, तो अंशदान का मतलब होता है, उसको छोड़, थोड़ा सा उसको छोड़ते हैं, उसको हम उसकी बात कर, बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम अद्वितीय कहते हैं। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब जिसके समान, जिसके समान कोई दूसरा ना हो,
उसको हम बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम पढ़ेंगे अनाथ के, जिसके माँ बाप ना हो उसे हम अनाथ कहते हैं, अनाथ जिसके माँ बाप ना हो, जिसके माँ बाप ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहते हैं, लगा दो, जिसके माँ बाप ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे और पढ़ लेंगे, इसको अनाथ कहते हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रेज कर रहे हैं, देख लेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, देखेंगे कौन सा है। अगला है अनंत। क्या है अनंत? अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब होता है जो कब, जिसका कभी अंत ना हो, अनंत, 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 जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं, याद रखेंगे अनंत कहते हैं। अगला है अप्राप्य। अप्राप्य का मतलब क्या होता है? जो प्राप्त ना किया जा सके उसे अप्राप्त कहते हैं। और अल्पज्ञ क्या होता है? जो थोड़ा जानता हो। तो अप्राप्त, अप्राप्त का मतलब जो प्राप्त ना किया जा सके, जो प्राप्त ना किया जा सके उसे हम कहते हैं अप्राप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्राप्त कहते हैं। अल्पज्ञ जो थोड़ा जानता हो उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है? जो थोड़ा जानता हो। ठीक, जो थोड़ा जानता हो उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं, याद रखेंगे अल्पज्ञ कहते हैं। इसके बाद अल्पभाषी। अल्पभाषी का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला, उसको हम बोलेंगे अल्पभाषी, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, याद रखेंगे कम बोलने वाला अल्पभाषी होता है, अल्पभाषा नहीं अल्पभाषी होता है, याद रखेंगे अल्पभाषी या मितभाषी बोलते हैं। इसके बाद अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे हम अवीरा कहते हैं, अवीरा। जिस स्त्री के पति व पुत्र ना हो उसे हम अवीरा कहेंगे, पति या पुत्र ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अवीरा कहेंगे। अवीरा का मतलब क्या होता है? उसे अनाथ नहीं कहेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, कि हम उसे विधवा कहें, ऐसा नहीं है। पति और पुत्र जिसके दोनों ना हो उसे हम अवीरा कहते हैं। अव्यवहारी, जो कार्य रूप से, या हम कह सकते हैं अव्यवहारिक का मतलब क्या होता है? जो कार्य रूप में ना लाया जा सके, अव्यवहारी। चीज पर अव्यवहारिक, जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसे हम अव्यवहारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यवहारिक कहेंगे। इसके बाद अरुणोदय है। सूर्य उदय से पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है, याद रखेंगे अरुणोदय, अरुणोदय। सूर्य उदय से पूर्व का समय उसे हम क्या कहते हैं? अरुणोदय कहते हैं। याद रखेंगे अरुण का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है? सबसे पहले सूर्य निकलता है, इसीलिए उसका नाम अरुणाचल प्रदेश पड़ा, याद रखेंगे। अकाट का मतलब क्या होता है? जिसका कोई खंडन ना कर सके उसे हम अकाट कहते हैं, अकाट। जिसका कोई खंडन, याद रखेंगे क्या, खंडन ना कर सके, जिसका कोई खंडन ना कर सके उसे हम क्या कहते हैं? अकाट कहते हैं। अभियुक्ति। अभियुक्ति का मतलब जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम अभियुक्ति कहते हैं। वीडियो को पूरा पूरा देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और अभी हम आपको एक देशभक्ति शायरी भी सुनाएंगे, ठीक है।
तो अगर आपको सुनना है तो सुन लेंगे। अपने हौसलों के दम पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, अपने हौसलों के दम पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमें, हम अपना मंच बना लेंगे। जो कहते हैं सितारा अपने को, कर देंगे चमक उनकी फीकी और सूरज खुद को बना लेंगे। दोस्तों अगर ये लाइनें आपको अच्छी लगी हो तो ये शायरी कमेंट बॉक्स में मैसेज करूँ जरूर से जरूर करें, और ये आपको शायरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करके बताएं, ठीक है। और एक और सुन लेंगे कि असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन की राहों को नया मोड़ देती है, जो करता है जीवा जान से पूरा प्रयास, असफलता उसका पीछा छोड़ देती है, ठीक है। तो असफल अगर होते हैं याद रखेंगे तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, और अगर आप असफल हुए हैं तो आप स्वयं उसके क्या हैं, भागीदार हैं, ठीक, स्वयं जिम्मेदार हैं उसके, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा करो कि लोग देखिए, करो कुछ ऐसा कि बनना चाहें आपके जैसा, ठीक है। इसके बाद हम बताएं अभियुक्त या अभियोगी किसे कहते हैं, जिसका कोई, हमने बताया अकाट्य का मतलब क्या होता है, जिसका कोई खंडन ना कर सके उसे अकाट्य कहते हैं, लेकिन जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभियोग। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा या अभियोग चल रहा हो, अभियोग चल रहा हो, याद रखेंगे, जिस पर मुकदमा या जिस पर अभियोग चल रहा हो या लगाया गया हो उसे हम अभियोग कहेंगे। इसके बाद असीमित कहते हैं, जो सीमित ना हो उसे हम असीमित कहते हैं, असीमित, जो सीमित ना हो, जो सीमित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, असीमित कहते हैं, जो सीमित ना हो उसे असीमित कहते हैं, असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहेंगे, असीम, जिसकी कोई क्या ना हो, सीमा ना हो उसे हम क्या कहेंगे, असीम कहेंगे, याद रखेंगे, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम असीम कहेंगे। अगला है अस्त्र किसे कहते हैं, जो, याद रखेंगे, जो दिया ना जा सके उसे हम कहते हैं अस्त्र कहते हैं। अधे किसे कहते हैं, जो दिया, हमेशा याद रखेंगे अस्त्र का मतलब क्या होता है, वह हथियार जिसे हम फेंक कर चलाते हैं, याद रखेंगे अस्त्र की बात कर रहे थे हम, जो फेंक कर चलाया जाता है। देखिए वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम अस्त्र कहते हैं, और शस्त्र किसे कहते हैं, जिसको हम पकड़ कर चलाते हैं उसको हम शस्त्र कहते हैं, याद रखें। अधे का मतलब जो दिया ना जा सके उसे अधे कहते हैं, अधे, जो दिया ना जा सके उसे हम अधे कहते हैं, जो दिया ना जा सके उसे अधे कहते हैं। इसके बाद अवसरवादी, अवसर, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी, तो अवसरवादी किसे कहते हैं, अवसरवादी, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे हम अतिथि कहते हैं, अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अतिथि कहते हैं, याद रखेंगे अतिथि किसे कहते हैं, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अधितिका किसे कहते हैं, पहाड़ के ऊपरी भाग को अधितिका कहते हैं, पर्वत के ऊपर समतल भूमि,
पर्वत के ऊपर समतल भूमि को अधित्यका कहते हैं, याद रखेंगे क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। इसके बाद अनुकरण किसे कहते हैं, अनुकरण करने योग्य, अनुकरण किसे कहते हैं, अनुकरण करने योग्य को अनुकरण कहते हैं। नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर इसको भी। तो हम आपको पढ़ा रहे थे अनुकरण, अनुकरण का मतलब, अनुकरणीय का मतलब क्या होता है, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य। करने अनुकरण करने योग्य को अनुकरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकरणीय कहते हैं। अनिर्मणी देखिए और भी महत्वपूर्ण है, हम आपको बता दें कि अनायास का मतलब क्या होता है, जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे हम अचर कहते हैं, जो वस्तु चलने वाली ना हो अचर, जो वस्तु चलने वाली ना हो, वाली ना हो उससे हम क्या कहेंगे, याद रखेंगे चलने वाली ना हो उसको हम अचर कहते हैं। लेकिन हम अनायास की बात कर रहे थे, जिसका नाश ना हो उसे हम अनायास कहते हैं, जिसका नाश ना हो अनायास, अनायास ही तो बात कर रहे थे। अनायास, अनायास का मतलब क्या, अनाशय होता है, क्या होता है, अनाशय, अनायास नहीं, अनाशय। अनाशय का मतलब क्या होता है, जिसका नाश ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अनाशय कहते हैं, जिसका नाश ना हो अनाशय कहते हैं। अचर और अचल, अचल का मतलब क्या होता है, जो वस्तु चलने वाली ना हो, जो वस्तु चलने वाली ना हो उसको हम अचर कहते हैं, चलने वाली ना हो उसको हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। हम अचल की बात करें, जो वस्तु एक ही स्थान पर हो, अचल, जो वस्तु, याद रखेंगे जो वस्तु एक ही स्थान पर हो, एक ही स्थान पर हो, याद रखेंगे जो वस्तु एक ही स्थान पर हो उसे हम क्या कहते हैं, अचल कहते हैं। किसे कहते हैं, अचल कहते हैं, एक ही स्थान पर स्थिर हो। लेकिन अचल का जो चलने वाला ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अचल कहते हैं। अचल का मतलब क्या, जो वस्तु चलने वाली ना हो, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अध्यापक की बात कर, जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता हो, अध्यापक कहते हैं उसको, विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करने वाला, याद रखेंगे विद्यार्थी को जो पढ़ाता हो, जो विद्यार्थी को पढ़ाता हो उसे हम अध्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय, अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके, याद रखेंगे जिसकी तुलना ना की जा सके, ना की जा सके उसे हम अतुलनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अतुलनीय बोलते हैं। अध्यादेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, लास्ट है आपका ये अध्यादेश, राज्य द्वारा निकाला गया आदेश, हम इसे कहते हैं राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक। इसके बाद देखेंगे कौन से महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं, जैसे अनिर्वचनीय, अकथनीय, अकथित और अशाध्य। कुछ महत्वपूर्ण और हैं, अनिर्वचनीय, जैसे अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, ठीक। अनिर्वचनीय किसे कहते हैं, जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। तो वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसका वचन और वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं, या अवर्णीय भी कह सकते हैं आप, याद रखेंगे। इसके बाद अगला है अकथनीय। अकथनीय किसे कहते हैं, जिसे शब्दों
में नहीं कहा जा सके उसे अकथनी कहते हैं। याद रखेंगे अकथनी, आपका अकथनी, जिसे शब्दों में ना कहा जा सके, याद रखेंगे जिसे शब्दों में ना कहा जा सके, ना कहा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अकथनी कहेंगे। याद रखेंगे अकथित किसे कहते हैं, जो कहा ना गया हो, अकथित, अकथित, याद रखेंगे अकथित किसे कहते हैं, जिसे कहा ना गया हो, जिसे कहा ना गया हो उसे हम अकथित कहते हैं। आर्यवचनी का मतलब क्या होता है, जिसे वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके। अकथनी का मतलब क्या होता है, जिसे शब्दों में ना कहा जा सके। और इसके बाद अकथित का मतलब जिसे कहा ना गया हो, याद रखेंगे। इसके बाद है असाध्य का मतलब क्या होता है, जिसका निवारण ना हो सके उसे हम असाध्य कहते हैं, असाध्य, असाध्य, जिसका ना असाध्य, डोंट वरी, गलत, पूरा सारा चेंज कर लेंगे। असाध्य का मतलब क्या होता है, जिसका निवारण ना हो सके, याद रखेंगे असाध्य कहते हैं, जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं, याद रखेंगे। अनुकरणी, जो अनुकरण करने योग्य ना हो, अनुकरणी, अनुकरणी, जो अनुकरण करने योग्य ना हो, जो अनुकरण करने योग्य ना हो, योग्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अनुकरणी कहते हैं, याद रखें अनुकरणी। इसके बाद है अनुचर, अनुगामी, अनुयायी, तीन चीजें, अनुचर, अनुगामी या अनुयायी, अनुचर, अनुगामी या फिर अनुयायी, अनुचर, अनुगामी, अनुयायी, इसको कहते हैं जिसके पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, याद रखेंगे किसी के पीछे पीछे चलने वाला, याद रखेंगे अनुचर, अनुगामी, अनुयायी, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो हम उसे भी अनुचर भी कह सकते हैं, अनुगामी भी कह सकते हैं, अनुयायी भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। इसके बाद अगला है अनुगृहीत, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, याद रखेंगे अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे हम अनुग्रह कहते हैं, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुग्रह। अभिगामी, अभिगामी का मतलब क्या होता है, नजदीक आने वाला, अभिगामी, अभिगामी, नजदीक आने वाला, नजदीक आने वाला, नजदीक आने वाला, जस्ट नजदीक आने वाला, इसको क्या बोलते हैं, अनुगामी बोलते हैं। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला महत्वपूर्ण है अविनाश, अविनाश का मतलब क्या होता है, जिसका कभी विनाश ना हो उसे हम अविनाश कहते हैं, जिसका कभी विनाश ना हो अविनाश, देखेंगे कौन सा है, अविनाश, अविनाश, जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो उसे अविनाश कहते हैं, याद रखेंगे अविनाश या अविनाशी कहते हैं। अनुरक्त, अनुरक्त का मतलब क्या होता है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, अनुरक्त, जो किसी व्यक्ति के प्रति प्रति
आशक्त हूँ। आशक्त, जो किसी व्यक्ति के प्रति आशक्त हो उसे हम अनुरक्त कहते हैं। अंतर्कथा, कथा के अंदर आने वाली कथा को अंतर्कथा बोलते हैं। तो अंतर्कथा होता है, याद रखेंगे, अंतर्कथा, कथा के अंदर आने वाली कथा, कथा के अंदर आने वाली कथा, कथा के अंदर आने वाली कथा को अंतर्कथा कहते हैं, अंतर्कथा कहते हैं। अंतःपुर, अंतःपुर का मतलब क्या होता है? राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर कहलाता है। अंतःपुर राजभवन के अंदर, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, महिलाओं का निवास, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर कहलाता है। अन्नपूर्णा, अन्न की अधिष्ठात्री देवी, अन्न की अधिष्ठात्री देवी याद रखेंगे, अन्नपूर्णा कहलाती है। तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा का मतलब क्या होता है? अन्न की, अन्न की अधिष्ठात्री देवी, अधिष्ठात्री, अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा कहलाती है। तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा कहलाती है। इसके बाद अछूता का मतलब क्या होता है? जिसे छुआ ना गया हो, अछूता, अछूता जिसे छुआ ना गया हो, छुआ ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं? अछूता कहते हैं। जिसे छुआ ना गया हो अछूता कहते हैं। इसके बाद देखेंगे अमावस्या किसे कहते हैं? मास की किसी पक्ष पर पंद्रहवीं तिथि, ठीक है, मास की किसी अंतिम पंद्रहवीं तिथि को हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। लेकिन और भी महत्वपूर्ण देख लेंगे। अंकेक्षा किसे कहते हैं? जो हिसाब किताब की जांच करता हूं अंकेक्षा कहलाता है, हिसाब किताब की जांच करता हूं, हिसाब किताब की जांच, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे हम अंकेक्षा। तो दोस्तों ये रही महत्वपूर्ण वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इस वीडियो को क्या करना है? आपको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। धन्यवाद।